हाय गाइस, तो आज हम मायापुर के बहुत ही विभिन्न महत्वपूर्ण जगहों का दर्शन कराएंगे, जिसमें से गौशाला, जगन्नाथ, गंगा माँ का दर्शन, जातकाजी, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, TOBP, मायापुर चंद्रोदय, ये सब मंदिरों का दर्शन कराएंगे। हेलो, हरे कृष्णा गाइस, आप सभी को रितेश ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, रुपेश प्रभु, लक्ष्मण प्रभु और हम जा रहे हैं अभी टिकट लेने के लिए प्रसाद का। और हम लोग सुबह को 4:30 बजे उठे और मंगल आरती में गए, तो मंदिर में अलाउ नहीं रहता है मोबाइल का, इसीलिए दिखा नहीं पाते हैं। और वो आपको मायापुर लाइव TV में दिखता है, आप देख सकते हैं। तो देखिए, अभी हम लोग भजन कुटीर के सामने हैं और सुलभ का प्रसादम का टिकट लेंगे या फिर गदा भवन का कहीं का भी टिकट लेंगे। और अभी जाएंगे हम लोग गौशाला, तो आपको वो भी दिखाएंगे। तो देखिए, अभी हम लोग यहीं पर लेंगे काउंटर से टिकट। सो गाइस, तो हम लोगों ने देखिए ये 3 कूपन सुलभ का ले लिया है, क्योंकि आज नामट भवन में हम लोग का लेट हो गया थोड़ा। 7 बजे का टाइम में वहाँ पर कूपन मिलता है और हम लोग 7:30 बजे गए तो बोले कि आधा घंटा लेट हो गया, इसलिए नहीं मिला। तो अभी हम लोग सुलभ का कूपन लिए हैं और ये ओनली 30 रुपया का है। तो आपको दिखाएंगे क्या क्या मिलेगा आज प्रसाद में, वो भी आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे। हरे कृष्णा। सो गाइस, तो आपको जो मंदिर दिख रहा है ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है और इस मंदिर का ओपनिंग 2022 में होगा। सो आप गाइस आकर इस मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं और राधा माधव का भी, और बहुत ही आनंद ले सकते हैं मायापुर आकर। सो गाइस, तो देखिए अभी हम लोग गौशाला पहुंच चुके हैं और आपको अभी दर्शन कराएंगे गौशाला का। तो देखिए, हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं गौशाला में और यहाँ पर, और गाइस यहाँ का एक बहुत ही खासियत है, क्योंकि ये जो स्टॉल दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी बिकता है तो वह यहाँ के गौशाला का ही होता है, अपना प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आप दूध, दही, लस्सी, घीव ये सब ले सकते हैं, तो यह गौशाला से ही बनता है। सो गाइस, तो देखिए हम लोग अभी गौशाला पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे गौ माताएँ हैं देखिए पीछे, और अभी सब और भी बहुत सारे हैं, तो वो लोग अभी मतलब चरने के लिए दूसरा जगह पर ले जाया जाता है। तो अभी यहाँ पर कुछ हैं जिन्हों को यहाँ रखा जाता है। बहुत ही बड़ा है यह मायापुर गौशाला। तो देखिए गाइस, दोनों तरफ गाइस, तो देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही गौ माताएँ आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े हैं। देखिए यहाँ के जो एक दिख रहे हैं बहुत ही बड़े सिंह हैं। यहाँ अलग अलग प्रजाति के गायें पाए जाते हैं और बहुत ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग नस्ल के होते हैं। तो यहाँ लगभग 500 से भी अधिक गौ माताएँ हैं अभी मायापुर गौशाला में, और धीरे धीरे और भी विस्तार होते ही जा रहा है। तो कभी आइए मायापुर, दर्शन कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा आपको गाइस। और यहाँ जो स्टॉल देख रहे हैं अभी, ये देखिए यहाँ पर आपको मिलता है दही, लस्सी, ये सब सब अपना गौशाला का प्रोडक्ट होता है, घी। देखिए गाइस, हमने अभी लिया है एक दही। तो हेलो गाइस, तो हम लोगों ने गौशाला घूम लिया है, काफ़ी बड़ा गौशाला है और उसका जो नीचे प्रसाद मिलता है वहाँ पर रबड़ी, दही और मिठाई वगैरह, जो कि वहाँ का ही जो गाय गौ माता का दूध होता है उसी से बनाया जाता है वो मिलता है, और घी भी मिलता है यहाँ का। तो हम लोगों ने घी भी ले लिया है और वहाँ पर लस्सी वगैरह खा भी लिया। तो देखिए, रुपेश प्रभु अभी भी झोला में टांग के ले जा रहे हैं, घी ले लिए हैं ये 2 किलो। तो यहाँ का जो ओरिजिनल घी मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोग भी कभी आएंगे तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा गाइस, तो हम लोगों ने जो टिकट लिया था गौशाला जाने से पहले, तो अभी हम लोग उस टिकट में जो प्रसाद मिलेगा वो लेने के लिए आए हुए हैं। तो देखिए, सुलभ में आए हैं और टिकट जमा दे रहे हैं काउंटर पे, और अभी हम लोग जा रहे हैं लाइन पे बैठेंगे और प्रसाद लेंगे। सो गाइस, तो हम लोग अभी प्रसाद के लाइन पे बैठ चुके हैं और देखिए सब कोई, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो अभी सब कोई प्रसाद लेंगे।
हरे कृष्णा। तो देखते हैं अब क्या क्या मिलता है आपको, वो भी थोड़ा सा दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। सो गाइस, तो देखिए हम लोग को भी मिला दाल चावल और बैंगन आलू का सब्जी और मूली और साग का सब्जी और बहुत गाइस, तो और भी बहुत कुछ है जो कि आपको नहीं दिखा पा रहे हैं गाइस, तो आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक आदमी जो है गुलाब का फूल बेच रहे हैं, तो इनका बहुत ही सस्ता में बेच रहे हैं। आप दाम सुन के हैरान हो जाएंगे, 5 रुपया में 50 पीस गुलाब मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर मायापुर आके ले सकते हैं 5 रुपया में 50 पीस। इतना सस्ता हमको नहीं लगता कि कहीं भी मिलता हो। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग टोटो पकड़ के जा रहे हैं। हम लोग अभी चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और मसीवाड़ी, फिर जगन्नाथ, आपको जात का जी, ये सब अभी दर्शन कराएंगे, राधा कुंड, श्याम कुंड। तो अभी टोटो पकड़ के हम लोग तीनों जन जा रहे हैं, तो आपको भी दर्शन कराएंगे। हरे कृष्णा। सो गाइस, तो देखिए अभी हम लोग जगन्नाथ टेम्पल पहुँच चुके हैं सबसे पहले, और देखिए रुपेश प्रभु गेट पे खड़े हैं और पार भी हो गए, तो अभी हम लोग भी प्रवेश करेंगे और यहाँ के बारे में आपको दर्शन कराएंगे और थोड़ी जानकारी देंगे। तो गाइस, ये जो जगन्नाथ भगवान है, ये पुरी में जो जगन्नाथ है और माया श्रीधाम मायापुर में, तो यहाँ आना और पुरी जाना सेम ही फल मिलता है गाइस, तो यहाँ भी आ सकते हैं। पुरी और मायापुर में कोई भी अंतर नहीं है, सेम ही जगन्नाथ है। आपको यहाँ भी वही कृपा मिलेगा जो पुरी जाके मिलेगा। तो आपको अभी दर्शन करा रहे गाइस, तो आप भी दर्शन कीजिए भगवान जगन्नाथ का, और हम लोग भी कर रहे हैं अभी, कृपा लीजिए जगन्नाथ भगवान का, क्योंकि रथ पे नहीं, अभी लॉकडाउन के कारण नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, तो अभी यहीं पर जगन्नाथ का दर्शन कीजिए। सो गाइस, तो आपको बता रहे हैं अभी यहाँ के जो जगन्नाथ है, ये मायापुर से आपको मायापुर चंद्रदेव मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर आना पड़ता है, तो आपको टोटो या रिक्शा लेके आना पड़ेगा जगन्नाथ टेम्पल। तो देखिए गाइस, अभी हम आपको दर्शन करा चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे और भी लीला स्थल जो कि चैतन्य महाप्रभु का है, तो वहाँ आपको दर्शन कराएंगे। तो देखिए अभी हम लोग जगन्नाथ टेम्पल से अभी जा रहे हैं। हरे कृष्ण गाइस। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये जो पेड़ है लगभग इन 500 साल पहले का है। ये पेड़ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लगाए थे और इसी पेड़ के फूल से पूजा करते थे, तो आपको ये पेड़ दिखा रहे हैं अभी और आपको दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि आप भी इन पेड़ों का कृपा ले सकते हैं। 500 साल पुराना पेड़ है ये, गुलांच का पेड़ गाइस। और गाइस, इस पेड़ का और एक खूबी है, इस पेड़ से रोज़ एक फूल गिरता है, 365 दिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक फूल नहीं गिरता है गाइस। तो अभी हम लोग श्याम कुंड आए हुए हैं, तो आपको अभी दिखा रहे हैं, श्याम कुंड का दर्शन करा रहे हैं। और ये जो वृंदावन में जो श्याम कुंड और राधा कुंड में फल मिलता है, वो भी श्रीधाम मायापुर के श्याम कुंड और राधा कुंड में फल मिलता है। तो देखिए गाइस, इसमें कितने सारे मछली हैं और बहुत ही बड़े बड़े हैं, कोई मनुष्य आने से ही ये लोग सामने आ जाते हैं। यहाँ के इस मछलियों का खूबी है। तो देखिए गाइस, ये जो बच्चा है बिस्किट खिला रहा है मछली को, तो देखिए सब मछली इनके सामने आ जा रहे हैं। देखिए गाइस, बहुत ही सुंदर सा बच्चा है और ये बिस्किट खिला रहा है मछलियों को। देखिए गाइस, तुरंत खा जाते हैं मछलियाँ सामने आकर के गाइस। तो देखिए अभी हम आपको राधा कुंड का दर्शन करा रहे हैं, वो था श्याम कुंड और यह है राधा कुंड, तो आप दोनों कुंडों का दर्शन कीजिए, बहुत ही कृपा प्राप्त होता है। और श्रीधाम मायापुर ऐसे धाम है जहाँ की चारों धाम का फल मिलता है, वृंदावन। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गाइस, तो ये जो प्रभु है, तो इनके नाम वो बता रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और यह इनका पुष्प समाधि मंदिर है, तो आपको अभी दिखा रहे हैं भक्ति वेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज का पुष्प समाधि मंदिर। और अभी हम लोग फिर और भी मंदिर देखने जा रहे हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे अभी गाइस। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों में कैमरा का अलाउ नहीं है,
और इसलिए अभी बहुत सारे कुछ नहीं दिखा सकते हैं, और जहाँ पे ऐसा नहीं है कैमरा अलाउ करता है तो वहाँ का आपको पिक और वीडियो दिखा रहे हैं। बहुत सारे जगह ऐसे हैं गाइस। तो अभी हम लोग सिरवांश आंगन में पहुँच चुके हैं और आपको अभी सिरवांश आंगन का दर्शन कराएंगे। यहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सिरवांश प्रभु के घर में कीर्तन करते थे रोज रात को। तो यही है सिरवांश आंगन, और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु रोज़ रात को कीर्तन करते थे, नित्य कीर्तन, कथा, प्रवचन, ये सब मतलब रोज़ रात को कीर्तन यहीं पर सिरवांश आंगन में करते थे, सिरवांश प्रभु के घर में श्री चैतन्य महाप्रभु। तो यही है उनका आंगन। और यहाँ पर तो गाइस यहाँ पर है राधा मदन मोहन भगवान का विग्रह, और उधर है सामने पंचतत्व और नृसिंह देव का विग्रह सिरवांश आंगन पे। तो आप यहाँ पर देखिए, आपको दर्शन करा चुके। तो गाइस अभी देखिए यहाँ पर गदाधर आंगन और श्री अद्वैत भवन जो कि था, तो अभी आपको दर्शन करा रहे हैं गौर गदाधर और अद्वैत भवन, तो आपको दोनों दिखा रहे हैं अभी। देखिए गाइस अभी आपको गौर गदाधर का दर्शन करा रहे हैं जो कि मायापुर में बहुत ही अच्छे जगह है, यहाँ पर बहुत ही कृपा मिलता है यहाँ। सो गाइस तो देखिए यह है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, और इसी नीम के पेड़ के नीचे अपना प्रकट हुए थे श्री चैतन्य महाप्रभु आज से लगभग 500 साल पूर्व। और यह जगह सो गाइस तो यदि कोई मायापुर आके महाप्रभु का जन्म स्थान नहीं आया तो उसे कुछ कृपा नहीं मिलता है, और यहाँ आने से आपको पूरा महाप्रभु का कृपा मिलेगा। सो गाइस तो देखिए जन्म स्थान के सामने ही भगवान भोलेनाथ भी है यहाँ पर, तो दर्शन कर सकते हैं गाइस। तो अभी हम लोग जन्म स्थान जगन्नाथ दर्शन करके अभी देखिए गाइस अभी हम लोग गंगा माँ के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो अभी आप गंगा माँ का दर्शन कीजिए, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान करने आते हैं गंगा नदी में, और हम लोग भी आए हुए हैं तो आपको भी गंगा माँ का दर्शन करा रहे हैं। देखिए गाइस इधर जो है यहाँ गंगा माँ का रोज आरती होता है, और गंगा माँ का पूजा भी किया जाता है यहाँ पर रोज शाम को सुबह को। तो यहाँ पर देखिए गाइस गंगा माँ का विग्रह भी बनाया गया है, और यहाँ पर रोज पूजा होता है, अर्चना होता है, तो आपको भी दर्शन कराएंगे माता गंगा का। देखिए गाइस यहाँ का जो ये है दर्शन कीजिए। सो गाइस तो आज का ब्लॉग में हम लोग आज इतना ही दिखाएंगे। सो गाइस तो देखिए अभी हम लोग गंगा नदी से वापस नामट भवन की ओर जा रहे हैं, और अभी हम लोग शाम को फिर संध्या आरती में जाएंगे, तो वो तो आपको मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है तो नहीं दिखा सकते हैं। सो गाइस तो देखिए अभी हमारा